एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड बाय अंजलि। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। तो बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मैरिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कर्ड, जो अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है। कलर अच्छा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। और ऐड कर रही हूँ नमक। आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ हल्दी डाला है, आप हल्दी स्किप भी कर सकते हो। बटर चिकन बनाने के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है मैरिनेशन का और सेकेंड पार्ट होता है ग्रेवी का। तो अब हमारा मैरिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ और उसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं ग्रेवी। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके हम 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी टाइम के लिए छोड़ सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्ग्रीडियंट्स जो मैं बटर चिकन की ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिया कैज्यू नट्स 10 to 15, रफली चॉप्ड टमाटो, रफली चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीफ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है अच्छे कलर के लिए, और यहाँ लिया बटर। जब बटर चिकन है तो बटर तो होगा ही। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हम बटर ऐसे डालेंगे तो बटर जलने लग जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालना होगा। और अब इसमें मैं डालूंगी बटर। डाल दी अनियन, अनियन को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा अनियन थोड़ा पक चुका है, मुलायम हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैज्यू नट्स। मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीफ। कोरिएंडर लीफ से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी। इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है। मैं ऐड करी 1 टेबल स्पून गरम मसाला, साल्ट,
इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लीड से हमें ढककर छोड़ देना है ताकि ये मुलायम हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो बटर चिकन की ग्रेवी का स्पाइस रेडी हो चुका है, तो हम गैस को ऑफ करके और इस स्पाइस को ठंडे होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो इसके लिए मैंने दूसरा पैन लिया है और अब सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा ऑयल, बस लिटिल बिट। इसमें ऐड करेंगे बटर, इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इनको अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई करना है। मीडियम और लो फ्लेम करके हम अपने चिकन को ऐसे फ्राई करेंगे। हमारा स्पाइस ठंडा हो गया है तो मैं अब इसे जार में डाल करके ग्राइंड करने वाली हूँ। डालकर फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। उन स्पाइस को हम जार में डाल करके ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अब ये हमारा चिकन भी फ्राई हो चुका है, तो ऐसा पेस्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम चिकन बटर चिकन को चिकन मखनी भी बोलते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें बटर जाता है, इसलिए भी क्योंकि इसका जो ग्रेवी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है, तो हमें ग्रेवी को एकदम स्मूथ बनाना है। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको गैस ऑफ करके हटा देंगे और फिर से वही पुराना पैन लेंगे जिसमें हमने स्पाइस फ्राई किया था। तो चलिए, मैंने फिर से वही पुराना पैन लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बटर ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा है। चिकन को मैंने ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ चिकन को ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लो और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से चिकन को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको हम 5-10 मिनट्स के लिए ढक देंगे लीड से। आप देख सकते हो हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैंने गैस को ऑफ भी कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, और मैं अब यहाँ ऐड कर रही हूँ दूध से निकले हुए फ्रेश मलाई। आप चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हो। हमारा बटर चिकन प्लेटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। हम करते हैं प्लेटिंग। आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बटर चिकन की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।